तो अगर आप मेरे को बोलोगे मेरी मर्जी है तो मेरी मर्जी बहुत चीजों में है और जो करूंगा तो कर ले, लेकिन भाई थोड़ा रुक के, मतलब अभी शो शुरू हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तू अभी से कलेश मचा रहा है। क्या गेट बीच में है भाई साहब, मैं दो मिनट में मजाक बना देता। मेरे दिल में यही था कि मारे अपने हिसाब से बात करो, मैं भूत बना दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ बनाई दे भूत यार, आफ्टर ऑल उसी के लिए तो बुलाया बिग बॉस वालों ने तेरे को। लेकिन नॉट गोना लाई, मेरे को इस वीडियो की थोड़ी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि जब तक मैं एडिट करके डालूंगा पता चले मारपीट करके शो से निकल भी गया हूं। वैसे पहले कितना आसान होता था ना बिग बॉस में जाना, मतलब एक दो हिट शो कर लो, मूवीज में सालों तक काम कर लो, नेशनल लेवल के अवार्ड जीत लो और यही सारी फालतू की चीजें। लेकिन अब बिग बॉस में जाने के लिए खुद पे 15-20 क्रिमिनल केसेस लेने पड़ते हैं, हर रोज नई नई कॉन्ट्रोवर्सी करनी पड़ती है, जगह जगह जाके मारपीट करनी पड़ती है, एंड अ लॉट मोर। ओह माय गॉड यार, द स्ट्रगल इज रियल। ऑनेस्टली मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा कि लोग विवियन डिसेना जैसे लोगों के लिए एक्साइटेड भी क्यों है, मतलब किया ही क्या है उसने। कुछ हिट शोज, खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर हैंड हमारे रजत दलाल भैया को देख लो, क्या क्या पाड़ा है इन्होंने जिंदगी में। रियल लाइफ फास्ट एंड फ्यूरियस ड्राइविंग भाई ने कर रखी है, बच्चों की बुरी तरह से पिटाई भाई ने कर रखी है, रेस्टोरेंट्स में घुस के गुंडागर्दी भाई ने कर रखी है, इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर के साथ कॉन्ट्रोवर्सी भाई ने कर रखी है। Although वो अलग बात है कि कैरी ने इसको भाव नहीं दिया था, इसलिए पहले भी फड़फड़ आ रहा था और अभी भी सलमान भाई के सामने ऐसे स्टोरी सुना रहा था जैसे वो इसके स्कूल के टीचर हो, थिंकिंग की मैं क्या मस्त सही बात बोल रहा हूँ। और ये क्या टीवी पे मेला लोस्ट हुआ, मेरे साथ बहुत बुला हुआ, मेरे को बहुत बुला लग रहा है वाला कार्ड खेल रहे हो सर, आप वो बताओ ना जो आपने किया है लोगों के साथ। सी मेरे को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है रजत से, और ना मेरे को दुश्मनी मोल लेनी है, क्योंकि मैंने सुना है कि लोगों के घर पहुंच जाता है सीधे। सो रजत मेरे घर मत आना, यू आर नॉट वेलकम हियर, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ पहले मेरी गली के कुत्ते बहुत बहुत गंदा काटते हैं। सो बट माई इशू इज विद द फैक्ट कि बिग बॉस वाले कैसे कैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने लग गए हैं यार। पहले वो तीन पत्ती ट्रिपल को ले आए थे और अब इसको ले आए हैं, जिसकी हरकतें मैं सच बता रहा हूँ मैं अपने चैनल पे बोल भी नहीं सकता। ऑनेस्टली इस रजत के आगे तो मुझे वो UK 07 राइडर और बड़ा पाव गर्ल भी देवी देवता जैसे लग रहे हैं। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। एंड दी आयरनी इज के इसने स्टेज पे नैरेटिव ही घुमा दिया। वाओ, बिग बॉस शुरू हुआ नहीं कि नैरेटिव जैसे वर्ड्स अपने आप जुबान से निकल रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब स्टेज पे बोल रहे थे कि मैं जब देश के लिए मेडल्स ला रहा था मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने कंट्रोवर्सी की तो सब जानने लगे। एक मिनट है? अबे तो 4-5 मेडल और ले आता, इवेंचुअली लोग जान ही जाते, लेकिन ये फेमस होने का शॉर्टकट कंट्रोवर्सी करके भी तो तूने ही अपनाया है। और अब जब लोगों के दिमाग में इमेज बन गई है कि आप लड़ाके हो, तो आप बोल रहे हो कि ये सब भूल जाओ। उम्मीद करूंगा किसी को निराश करूँ ना। मिशन फेल्ड, हम ऑलरेडी निराश हो गए हैं। और आगे पीछे की सारी चीजें भाई भूल देना, माफ कर देना अगर कुछ भी चीज किसी को बुरी लगी हो। अच्छा जिस तरह से प्यार बना के रखा है आगे भी ऐसी बना के। नो ऑफेंस, बट तुझसे किसने प्यार बना के रखा है भाई? वैसे ये सही है यार, सारे कांड करो और बाद में बोलो गाइस सब कुछ भूल जाओ, मैं तो एक बहुत ही प्यारा सा पुकी सा बंदा हूँ, बस कभी कभी गलती से मेरा हाथ उठ जाता है, कभी कभी मैं गलती से टोल का फाटक भी उड़ा देता हूँ, पर कभी कभी ना मेरे से गलती से गाड़ी के एक्सेलरेटर पे ऐसा पैर चला जाता है और फिर मैं से कोशिश करते रहता हूँ हटाने की, वो हटता ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। इसलिए आप लोग ऐसा करो सब कुछ भूल जाओ। ओह माय गॉड, आई फॉरगेट इट, माय गॉड। लगता है यही सब कर लिया होता ना तो 2 साल से 1.2 मिलियन पे ना अटका होता। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। पता है वो तो शुक्र है कि इस बार के बाकी के कंटेस्टेंट्स इतने तगड़े हैं कि फाइनली ये सीजन देखने लायक है। निया शर्मा, शोएब इब्राहिम, ऋतिक धनजानी, दिग्विजय सिंह राठी, धीरज धूपर, ईशा कोपिकर, पद्मिनी कोल्हापुरी एंड सो मेनी मोर। लाइक ओ माय गॉड, क्या लाइनअप है इस बार का। काश ऐसा मैं बोल पाता, क्योंकि असल में आया सिर्फ नल्ले बेरोजगार छपरी और बिगमंगे और चप्पल चोर 21 से लेकर 24 साल के नल्ले बेरोजगार लड़के और लड़कियां, जिनका सॉरी टू से हमने नाम भी नहीं सुना है। और ये हर बार का हो गया, मतलब शुरू में तो ऐसी लिस्ट आती है कि भैंस क्या, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट जैसे कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं। पर एंड में आते हैं लॉयर अंकल जैसे लोग, जिनको स्टेज पे 5 मिनट के लिए झेलना मुश्किल हो गया था। भाई अगले 3 महीने क्या करेंगे हम, ऐसा लग रहा था गली के वो अंकल आके खड़े हो गए जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। बग्गा जी को छोड़ दो, असंतोष है। यू नो व्हाट, जियो सिनेमा वालों, मेरे 29 रुपए निकालो, वापस दो अभी के अभी वापस दो, क्योंकि मैं नहीं देख सकता ऐसा शो। और अगर गूगल पे वगैरह नहीं किया तुमने, मैं तुम्हारे सेट पे आ जाऊंगा, मेरे को बिग बॉस का घर पता है, अब आगे लेके जाऊंगा अपने 29 रुपए। एक तो तुमने पहले ही ऑडियंस का इतना सॉलिड वाला काटा है ये बोल के कि निया एज अ कंटेस्टेंट आने वाली है, बट इट वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। ऊपर से जो लोग लाए भी हो वो भी एक नंबर के लेजेंड। लाइक अगेन आई एम सॉरी, ये अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी इंसान होंगी, बहुत अच्छे काम करती होंगी, बट अगेन इन्हें कौन देखना चाहता है और ये है कौन? अबे निया शर्मा चाहिए थी, तुम हेमा शर्मा उठा लाए। बाय, ऐसे करते करते शो से मत निकल जाना मैडम। बाय बाय बाय, चमका चमका चमका, ओ ओ ओ, आओ थोड़ी बकलोली करके आते हैं।
बच्चों से पंगे लूंगी, उनकी माओ से पंगे लूंगी, मैं सबसे पंगे लूंगी, अंकल से भी। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। Also यार, I wanted to see शोएब इब्राहिम, क्योंकि मेरे को जानना था कि क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो अपने व्लॉग्स में बात करते हैं, या वो भी व्लॉग्स में एक्टिंग ही करते हैं। After all, आजकल काफी लोग एक्टिंग करने लग गए हैं व्लॉगिंग के नाम पे। जी खैर, आई डोंट थिंक कि मैं बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में इनफ जानता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, इसलिए आई नीड टू कॉल एन एक्सपर्ट, अ बिग बॉस एक्सपर्ट। म्यूजिक। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। बट माई क्वेश्चन इज, ये लोग कौन है? अफरीन खान ये कौन है? चुम दारंग ये कौन है? शहजादा धामी ये कहाँ का शहजादा है? श्रुतिका गुंड रत्न नायरा, अरे ये लोग हैं कौन और मैं क्या करूँ? पूजा जी आप ढंग से रिव्यू कर लीजिए वरना मुझे करने दीजिए। देखिए आप थोड़ा औकात में रहिए क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ, डोंट इंटरप्ट। हाँ जी, तो पहली कंटेस्टेंट है चाहत पांडे, जो बहुत ही ज्ञानी बन रही थी स्टेज पे। क्या कह रही थी कि ट्रॉफी अपने माँ के चरणों में रखनी, अरे माँ की आंख तुम्हारी आदर्शवादी एक्टिंग की। आई बड़ी अनुपमा की बेटी। ओ वेट, अनुपमा की बेटी तो सच में आ गई है शो में कंटेस्टेंट बनकर। अगले कंटेस्टेंट है तजिंदर जी, जो आते ही खुले में कपड़े चेंज करने लगे थे। ताजी बाजी, यू लैक ग्रेस। सच्ची ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वालों के पास बजट नहीं था इस बार ढंग के कंटेस्टेंट बुलाने का। क्यों, सारा पैसा इंटीरियर डिजाइनर को दे दिया क्या? इतना बड़ा घर बनाया करोड़ों का और कंटेस्टेंट्स एकदम क्रॉस। ऊपर से VFX बना लिए लाइक मार्वल DC, शो की कर दिए MCBC। वैसे देखिए आप लोगों को एक इनसाइडर न्यूज दे रही हूँ कि इस बार बिग बॉस वालों के पास इतने कम पैसे हो गए हैं कि ये लोग कंटेस्टेंट्स को पैसे नहीं दे रहे हैं बल्कि कंटेस्टेंट्स इनको पैसे दे के आ रहे हैं। कुछ भी। एंड यू थॉट लास्ट सीजन वो अरुण तहलका, नावेद, सना, रिंकू, जिग्ना वाली कास्टिंग फुद्दू थी। बात तो सही है। लाइक ये कौन है श्रुतिका जो स्टेज पे कविता सुना रही थी पंजाबी में बहुत ही क्रिंज तरीके से? देखिए आप थोड़ी मच्योर बनिए, सीखिए कुछ विवियन से जो है 36 के लेकिन ज्ञानी ऐसे बनते हैं जैसे 76 के हों। और ये क्या तुम लोगों ने आते ही ओल्ड एक्टर्स वर्सेस न्यू एक्टर्स शुरू कर दिया है? अगर आप कहते हो कि हम आजकल के एक्टर मेहनत नहीं करते, सुन अपने काम पे ध्यान दो, एंड रिजल्ट पे सोचोगे कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। अच्छा ये तुम बताओगे। देखिए ज्यादा हवा में मत उड़िए, आपको टॉप 2 बिग बॉस वालों ने बनाया है, ऑडियंस ने नहीं। तो बिग बॉस वाले भी ना हर बार कुछ नया नया करने के चक्कर में हक देते हैं। पिछली बार वो दिल दिमाग और दम का कमरा बना दिया था, इस बार ये टाइम का तांडव कर रहे हैं। टाइम का था ये बोलना, ऐसा टंग ट्विस्टर क्यों है? सलमान खान नहीं बोल पा रहे थे स्टेज पे, बताओ। टाइम का तांडव। अरे तुम क्या भविष्यवाणी करते हो? मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पे तुम 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। भविष्यवाणी से मुझे बेबी का की याद आ गई। ओ पैसे पूसे वाले सब सोचे दुनिया, बेबी का पैदा हुई बस खान वास्ते। खैर अगली कंटेस्टेंट है एलिस इन वंडरलैंड, जो आके इस एलिस इन खंडरलैंड में फंस गई है। सच बता रहा गाइस कमेंट्स में कि आपको भी नहीं लग रहा इस बार का घर कुछ ज्यादा ही खंडर जैसा है? मतलब इट्स नाइस बट कुछ ज्यादा ही पत्थरों वाला और डार्क है। ऑल्सो मैं घर की तारीफ सिर्फ तब करूंगा भाई जब मेरे को बुलाया जाएगा होम टूर करने के लिए। आई नो दैट्स बेशरम बट Yes, and next are the Afreens, जो स्टेज पे कह रहे थे कि हमारे लिए सब पपेट्स हैं और हम इन सबको नचाएंगे। अच्छा देखिए बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते और इनको तो वड़ा पाव भी नहीं मिलता इसीलिए अगले दिन राशन पे लड़ रहे थे। वॉच योर लैंग्वेज, ये सांड की तरह खा रहे हैं क्या होता है? कोई बात नहीं। और अगर ये बोलते कि जिम करने के लिए ज्यादा भूख लग रहा है, then bloody stop the gym. And you stop copying me. मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। ये लोग मेरा बीपी बढ़ा रहे हैं, खत्म करते हैं इसको। So the last contestant is my favorite, the गधा। No, मैं रजत की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे लोग छोटी सोच। मैं ये actual वाले गधे की बात कर रही हूँ, ये है मेरा favorite contestant। Honestly, I can't believe कि सच में गधे को लाए हैं as a contestant और सलमान खान से उससे बातें करवाई हैं। लेकिन I don't appreciate the hate जो रजत को मिल रही है। देखिए आप लोग थोड़े मच्योर बनिए, बिग बॉस वालों ने आप लोगों पे एहसान करा है उसको मिला के और पूरे देश पे एहसान करा है, क्योंकि जितनी देर वो यहाँ रहेगा उतनी देर बाहर की दुनिया सेफ रहेगी। तो कह रही हूँ आठ दस सीजन अंदर ही रखिए इसको। तो देखिए एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये सीजन करेगा बोरियत से बेहाल, मेरा वाला सीजन रहेगा हमेशा एक मिसाल। शिट फंस गए हैं मेरे बाल। बिग बॉस वालों तुमसे मेरा ये सवाल कि इंस्टेड ऑफ दिस रजत दलाल कुडंट यू हैव गॉटन दीपक कलाल। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। I will see you next time with a new video. Bye bye. Also let me know in the comments below कि मुझे और मेरी बहन को क्या कॉन्ट्रोवर्सी करनी चाहिए, क्योंकि हम legit consider कर रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसे ही नंबर्स बढ़ रहे हैं। So हम सोच रहे हैं कोई फेक कॉन्ट्रोवर्सी कर लें। So let us know in the comments below.